Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ. मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे. नहा धोकर शुरू कर दिए होंगे अपना करंट अफेयर्स पढ़ना. आज लास्ट वीक के पूरे करंट अफेयर्स का टेस्ट है. हमें मुझे कमेंट में बताइएगा कितने अटेम्प्ट आप सही कर पाए. चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ जो कंप्यूटर जी आपको यहाँ पर दिखाएंगे. तो मोटिवेशनल कोट आपके सामने है, बड़ा अच्छा कोट है. देखिए, सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज़ हार्ड वर्क, प्रिजर्वेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ वॉट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू. मतलब ये तो ठीक है कि सक्सेस एक्सीडेंटली नहीं होता है. आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, लर्निंग करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने शायद पड़ते हैं. लेकिन इन सबसे जरूरी है कि इन सबको करने करिए, आप तो पसंद भी करिए. कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये आपके अंदर से आना चाहिए, आपकी आत्मा आपके सोल से आना चाहिए. आप पढ़ रहे हैं, किताब उठाए हैं, लेकिन नीचे व्हाट्सएप चल रहा है, पबजी खेल रहे हैं, मैच देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है ना. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको उसके आंसर देने. पहला क्वेश्चन हिंदी में भी है, घबराइएगा नहीं. चलिए, अ ग्रुप ऑफ 160 डिफेंस ऑफिसर एंड देयर फैमिलीज रीच विच कंट्री इन जून 2019 फॉर अ फैमिलाइजेशन विजिट अंडर डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम. तो आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा? बम फोड़ेंगे आज बहुत. कल तो इंडिया जीती भी है और आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा? और पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैं वेट करूंगा आपको और आपको इसका आंसर देना है. आंसर प्रांजल बोलो ऑप्शन नंबर थ्री, पूजा बोल रही है श्रीलंका, लस्तनी सिंह बोले लंका, क्या इसका आंसर होगा? एंड श्रीलंका ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. श्रीलंका इज राइट आंसर. याद रखें इसमें सैटरडे के भी एमसीक्यूज हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज लॉन्च अ केयर CARE दैट विल आइडेंटिफाई continuously monitor and maintain UGC CARE refresh list of quality journal across discipline. What does C stand in CARE? तो इसमें CARE का मतलब क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका राइट आंसर चूज करना है. क्या इसका आंसर आप देने वाले हैं? CARE की हम बात कर रहे हैं यहां पर. चलिए, और इसका आंसर क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूं. इसका फुल फॉर्म है कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स. कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स. तो सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब यहां पर क्या हो गया, देख लीजिए यहां पर कंसोर्टियम. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. तो ये मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है, फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने. Which state is set to sign a MOU with a company that has promised to build 300 smart goshala over the next 5 years? तो आपसे देख लीजिए फिर से पूछा गया कि कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन हुआ है जिसने 300 स्मार्ट गौशाला बनाने की बात बोली है. मतलब which state is set to sign a MOU with a company that has, मतलब कि कंपनीज के साथ, वो कौन सा स्टेट है, ये स्टेट कौन सा होना चाहिए, जरा दिमाग लगाइए. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में 300 स्मार्ट गौशालास बनेंगी नेक्स्ट 5 ईयर. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं. विच कंपनी बोर्ड हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर एक्सिस बैंक CEO शिखा शर्मा एंड खेतान एंड को पार्टनर हैग्रीव खेतान एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो आइए आंसर दीजिए इसका, क्या इसका आंसर होगा? शिखा शर्मा की बात हो रही है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टेक महिंद्रा. ऑप्शन नंबर फोर, टेक महिंद्रा ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. हम आगे बढ़ेंगे और बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की आपके सामने. हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर इसरोस इंटरप्लेनेटरी मिशन चंद्रयान 2? तो आपको बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर टू वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर इसरो इंटरप्लेनेटरी मिशन चंद्रयान 2. इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए यहां पर हमारे सामने 5 ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रितु खरिंदाल एंड मुथैया वनीता. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6.
wholesale price based inflation slipped to at which percent? In May 2019, helped by falling prices of food articles, fuel and power item. तो जो थोक बाजार में महंगाई है वो मई मंथ में कितनी हो गई है ये आपसे पूछा गया. कम हुई है, कितनी हुई है ये आपसे पूछा गया. इसका आंसर आपको देना, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2.45%. 2.45% मई मंथ में WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स हो चुका है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की आपके सामने. द चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द स्टेट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन चलो एप्लीकेशन इन जून 2019 इन विच स्टेट. तो क्या बोला गया कि किस मतलब मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, इन्होंने राज्य परिवहन निगम के चलो एप्लीकेशन कहां पे लॉन्च किया है, मतलब चलो एप्लीकेशन किस स्टेट में लॉन्च हुआ है ये आपसे पूछा गया है. यहां पर 5 ऑप्शन है आपके पास और साथ ही साथ हमारे सेशन को लाइक करना है. जो नए बच्चे हैं वो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आसाम. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग has joined hand to skill youth for the digital economy through its industrial training institute. तो निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण महानिदेशालय ने अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए कौशल युवाओं से हाथ मिलाया है. तो आंसर क्या होगा इसका देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं. And the right answer is both 1 and 2 means Cisco and Accenture. Cisco or Accenture and Directorate General of Training. इन्होंने आपस में agreement किया है, ठीक है. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इंडिया एंड किर्गिस्तान हैव प्रिपेयर्ड अ 5-year रोड मैप टू इंक्रीज द बायलेटरल ट्रेड. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान. वेरी सिंपल क्वेश्चन और आपको तो कई बार ये इस बार न्यूज में था तो आपको तो पता होगा. किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है ये आपको बताना है. एंड द आंसर इज सोरोनबे जीन बेकोव. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 10. एज पर अ न्यू ऑर्डर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जून 2019 द बैंक कैन नॉट कीप एटीएम आउट ऑफ कैश फॉर मोर देन हाउ मेनी आवर डूइंग विच विल अट्रैक्ट पेनल्टी. मतलब कि एटीएम में कैश इतने टाइम से ऊपर आपने मतलब कई बार नहीं होता है ना कि एटीएम में कैश ही नहीं होते हैं तो बैंकों को जो गैप होता है उस गैप का टाइम यहां पर आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कितने टाइम के में आपको कैश तो डालना ही पड़ेगा. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 आवर डूइंग विच विल अट्रैक्ट पेनाल्टी वरना इसके बाद पेनाल्टी आपके ऊपर लग जाएगी. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इंडिया हैज डिसाइडेड टू इम्पोज रिलेशनरी टैरिफ ऑन हाउ मेनी गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूएस फ्रॉम जून 16, 2019 ऑनवर्ड. तो भारत ने 16 जून से अमेरिका से आयात की गई कितनी वस्तुओं पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाने का फैसला किया है. ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है इंडिया और यूएस के बीच में भी. चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा और उसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा 29 आइटम. तो अगर इंडिया से 29 आइटम इंपोर्ट किए जाते हैं यूएस मतलब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है यूएस से तो जो भी इंपोर्टर हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. 29 आंसर इज राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. The year 2019 marked the which number anniversary of victory in Operation Vijay, popularly known as the Kargil War. तो Operation Vijay की कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई जा रही है जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है ये आपसे पूछा गया. इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना भी है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 20वीं एनिवर्सरी है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 13. Which country will start phasing out the use of plastic product from July 2019? तो कौन सा देश जुलाई 2019 से प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को समाप्त करना शुरू कर देगा. कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, यूएई. आपको इन पांचों ऑप्शन में सही आंसर देना है और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बहरीन. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. 14 क्वेश्चन. How many writers have been selected by the Sahitya Academy for the Sahitya Academy Bal Sahitya Puraskar 2019? Sahitya Academy Bal Sahitya Puraskar के लिए कितने लोगों को चुना गया है by the Sahitya Academy? Answer आपको देना है, क्या इसका answer होगा. पिंटू जसवाल जी काफी अच्छा आपने यहाँ पे एक quotation दिया है, बहुत बढ़िया, very good, very nice. And the right answer is 22. Option number 3. 22 लोगों को select किया गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is the rank of Indian football team in the FIFA ranking issued in June 2019? तो जून में जारी FIFA ranking में भारतीय फुटबॉल टीम की क्या रैंक है ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है. यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं. What is the right answer?
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 101 ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज फॉर द फर्स्ट टाइम ओपनड इट्स लेबोरेटरीज फॉर इंडियन स्कूल स्टूडेंट टू अंडरगो 2 week ट्रेनिंग फ्रॉम 2019. The first batch of how many students recently completed their exposure in its laboratories? So answer आपको देना है. ISRO ने पहली बार एक lab open किया है Indian school student के लिए. पहला batch भी बनाया गया है. इस batch में कितने लोग हैं ये आपसे पूछा गया है. पांच option के साथ हैं और आपको उसका right answer choose करना है. And the right answer is option number 4, 108 student जो हैं उन्होंने recently complete किया है इस exposure को. तो ये भी हमारा सही answer है. चलिए आगे बढ़ते 17 question की बात कर लें. When is the World Elder Abuse Awareness Day observed? World Elder Abuse Awareness Day किस दिन मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, डेज वाला क्वेश्चन है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 15 जून. 15 जून ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं और 18th क्वेश्चन की बात करते हैं. विच कंपनी इज ऑल सेट टू रोल आउट एन इनिशिएटिव नेम्ड टेकबी. तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है. टेकबी कौन सी कंपनी ने शुरू किया था. आफ्टर 12th बच्चों को जॉब दी जाएगी 10,000 पर मंथ के हिसाब से. और इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा SCL ऑप्शन नंबर 4. SCL इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इंटरनेट ट्रेंड बाई वेंचर कैपिटलिस्टिक मैरीमेकर, इंडिया रिटेन्ड इट्स विच नंबर पोजिशन इन द ग्लोबल यूजर्स ऑफ इंटरनेट. ये भी आपको बताया गया, पहले पे चाइना था, तीसरे पे यूएस था. इंडिया किस नंबर पे स्टैंड करता है. तो इंडिया सेकेंड नंबर पे स्टैंड करता है. पूरे वर्ल्ड का 12% कंज्यूम होता है इंडिया में इंटरनेट. चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ले चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कन्फर्ड इट्स डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड टू यूनियन मिनिस्टर्स हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वेयर अमंग दैम. तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जेएनयू दो लोगों को सम्मानित करेगा, एलुमनी अवार्ड देगा. ये दो लोग कौन थे ये आपसे पूछा गया है. इसका आंसर क्या होगा. तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमन जी एंड सुब्रमण्यम जयशंकर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 5 बोथ 1 और 3. यानी निर्मला सीतारमन जी भी हैं और सुब्रमण्यम जयशंकर जी भी हैं. पांचवा ऑप्शन हमारा सही आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हुए आपको 21th क्वेश्चन पे लेके चलते हैं. यूनिसेफ विल ऑनर विच एक्टर और एक्ट्रेस विद द डैनी केव ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द यूनिसेफ स्नोफ्लेक बॉल इन दिसंबर 2019. तो ये भी आपको पढ़ा चुके हैं. क्या इसका आंसर होगा. इसका आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. Where did the North East Zonal Program Coordination Committee ZPCC meeting of All India Radio Station begin in June 2019? आपको मैंने बताया था कि बस ये place याद कर लीजिएगा, यही news बन सकती है. इसका भी answer क्या होगा. इसका answer होगा Kohima. Option number 4 is right answer. Next question, a provision of how many crore rupees for implementation of the socio-economic development policy has been proposed by Chief Minister Zoram Thanga of Mizoram in the state budget for 2019-20. मैंने आपको पढ़ाया था कि मिजोरम में कितने अमाउंट का कंप्यूटर जी चाहने वाले हमारे आ चुके, ध्यान दीजिएगा, कितने अमाउंट का बजट पेश किया गया. और ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी है इसके लिए कितना फंड अलॉट किया गया आपको शायद याद होगा. इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर 750 करोड़ रुपीज़ होगा. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपसे पूछा गया है. सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या होगा. And the right answer is 14 June, option number 3. 14 June is right answer. याद करते चलिए कि आपको ये सब लर्न है कि नहीं है. नहीं है तो याद कर लीजिएगा. चलिए 25th क्वेश्चन की बात करते हैं. Where is the 2-day 5th conference on interaction and confidence building measure in Asia CICA summit being held in June 2019. मैंने आपको बताया था कि CICA summit जो हो रही है पांचवा एडिशन है. इसमें हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर जयशंकर जी जाएंगे. ये किस देश में हो रही है याद करिए. मैंने पढ़ाया आपको. इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा तजिकिस्तान. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26. The center approved setting up of e-foreigner tribunal in which state? केंद्र ने इस राज्य में e-foreigners tribunal की स्थापना को मंजूरी दे दी है. ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है. पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कोई बाहर से क्वेश्चन तो है नहीं. इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा असम. ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ली चोंग वेई अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट. ही इज
रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये किस खेल से बिलोंग करते थे, ली चोंग वेई, ये आपको बताना है। अगर आपको कंट्री या तो कंट्री भी बता दीजिएगा किस देश से ये बिलोंग करते हैं। तो खेल तो पता है, स्पोर्ट्स तो पता है हमें, ये क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर बैडमिंटन होगा। ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस देश का नाम भी कमेंट करें मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन आपके सामने। Who has secured the highest number of votes in the first ballot to select the Conservative Party leader and next Prime Minister? तो ब्रिटेन की बात हो रही है, यूके की बात हो रही है। आपको मैंने इनका नाम बताया भी, इनका नाम क्या होगा? मलेशिया। मलेशिया से ये बिलोंग करते हैं, वेरी गुड। मलेशिया से ये बिलोंग करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बोरिस जॉनसन होगा। ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। How many rupee per month will be contributed by the farmers under the Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana? प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसानों द्वारा प्रतिमाह कितने रुपए का योगदान करना होगा, ये आपसे पूछा गया, पढ़ाया भी गया है। सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा किसानों को पर मंथ, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा 30th क्वेश्चन आपके सामने। Where did India and Bangladesh hold the Director General level talk between the Border Security Force and Border Guard Bangladesh in June 2019? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पर ये मीटिंग हुई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। ढाका इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 31 क्वेश्चन की। The government of India has reduced the rate of contribution under the ESI Act from 6.5% to how much percent effective from July 2019? तो आपको ये भी मैंने पढ़ाया है, 6.5% से कितना कम कर दिया गया है ये देखना है आपको। कुछ लोग दिल्ली बोल रहे थे, ढाका है आंसर जी? नहीं नहीं रेशु जी, रेशु दिल्ली दिल्ली नहीं है, ढाका है। हम मानते हैं कि दिल्ली हमको पसंद है, लेकिन सच्चाई से मुंह हम नहीं मोड़ सकते, इसका आंसर ढाका होगा। चलिए इसका आंसर क्या है? फोर। ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर, फोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपसे 32nd क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ कैबिनेट मिनिस्टर रैंक इन जून 2019? आपको इसका आंसर पता है, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर थ्री, नृपेंद्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33rd क्वेश्चन। रिसेंटली गिरीस कर्नाड पास्ड अवे, ही वॉज एंड ये क्या थे? एक्टर थे, जज थे, क्रिकेट कोच थे, जर्नलिस्ट थे या डॉक्टर थे? इसका आंसर भी देना होगा आपको। क्या इसका आंसर है? ठीक है ठीक है ठीक है, एंड द राइट आंसर इज एक्टर, ऑप्शन नंबर वन। एक्टर इज राइट आंसर, एक्टर याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा 34 क्वेश्चन। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कजाकिस्तान इन जून 2019? जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए दूसरे राष्ट्रपति होंगे कजाकिस्तान के, तो ये आपसे पूछा गया, पढ़ाया गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कसीम जोमार टुकायेव। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। तो याद है आपको, है ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक्ट्रेस नहीं है सुधांशु रंजन, गिरीश कर्नाड मेल का नाम था बेटा, तो वो एक्टर होंगे, एक्ट्रेस कहाँ से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 35 क्वेश्चन। इन टेनिस हु लिफ्टेड द फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल इन जून 2019? फ्रेंच ओपन में मैन सिंगल किसने जीता? ये इस खिलाड़ी की 12वीं ग्रैंड स्लैम थी फ्रेंच ओपन की, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, राफेल नडाल। राफेल नडाल इज राइट आंसर, राफेल नडाल इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा 36 क्वेश्चन। The second day meeting of the G20 finance minister and central bank governor was held at which place in Japan on 9 June 20? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत याद रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या देंगे आप लोग? इसका आंसर क्या देंगे आप लोग? इसका आंसर होगा आपका फुकुओका। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। जापान में हुआ था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली आर वी जानकी रमन पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूटी? आरवी जानकी रमन का निधन हो गया है, वो किस राज्य के या फिर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री थे, आपसे पूछा गया। एंड राइट आंसर इज पॉन्डिचेरी। ऑप्शन नंबर थ्री, पॉन्डिचेरी इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 38 क्वेश्चन। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट एंड आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगमोहन रेड्डी नेम्ड दिस पर्सन एज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो आपको इस लेडी का नाम बताना है जो कि दलित कास्ट से बिलोंग करती है, इसको होम मिनिस्टर बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेकातोटी सुचित्रा सुचरिता। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। तो याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बस आ रहा है, देखिए यहाँ पर। चलिए
Pakistan economic growth in the financial year ending in June is expected to hit this percent, well below the target of 6.3%. 6.3% का target था और पाकिस्तान की growth rate कितनी हुई है ये आपसे पूछा गया है. इसका answer भी आप देने में सक्षम है क्योंकि पढ़ाया गया आपको. इसका answer क्या होगा? इसका answer 3.3% होना चाहिए. जी हाँ, option number one is right answer. Next question. How many years of operation have been completed by the Mumbai Metro in June 2019? तो मुंबई मेट्रो ने कितने वर्ष का परिचालन पूरा कर लिया है ये आपसे पूछा भी गया है और आपको इसका आंसर भी देना है. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. मुंबई मेट्रो ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 41 क्वेश्चन की बात करते हैं. तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इट्स इंडियन ऑपरेशन बाय निसान इन जून 2019? निसान ने अपने भारतीय परिचालन के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिनैन ओजकोक होगा. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 42 क्वेश्चन हमारा. US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनका नाम बताना है आपको, वुड विजिट इंडिया इन जून 2019 टू फॉर्ज रिलेशन विद इंडिया. US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब आप बोल सकते हैं जैसे इंडिया में विदेश मंत्री होते हैं वैसे वही रैंक होती है इनकी भी. इनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा माइक पॉम्पियो. ऑप्शन नंबर 2 माइक पॉम्पियो इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 43. As per the announcement made by Canadian Prime Minister Justin Trudeau, from which year will the single-use plastic be banned in the country? चलिए अब इसका आंसर दें. सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हमारा क्वेश्चन हो चुका है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 2021. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Which of the following automobile giants has won the gold award in South Africa for faring on various indicator? तो कौन सी कंपनी को साउथ अफ्रीका में गोल्ड अवार्ड मिला है? पढ़ाया गया क्वेश्चन है, दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महिंद्रा. ऑप्शन नंबर 2 महिंद्रा इज राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. When is the international day against child labor observed every year? बाल श्रम निषेध दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपसे पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 12 जून. 12 जून इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 6 मेंबर कमेटी टू रिव्यू द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ ATM चार्जेस एंड फीस. हु विल चेयर द कमेटी? इस कमेटी की को लीड कौन करेगा ये आपसे पूछा गया. इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 वीजी कन्नन. वीजी कन्नन ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन इंडिया एंड दिस कंट्री इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. तो याद करिए कि इंडिया और किस देश ने बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक MOU साइन किया था जिसे यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है. मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ इसलिए मुझे राइट आंसर आपसे चाहिए. वेल इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कोस्टारिका होगा. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. कोस्टारिका इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव ऑन MOU ऑन द कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी? मतलब कि इंडिया ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी पर एक एग्रीमेंट किया था जिसको यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है. तो ये भी इसका भी आंसर आपको ठीक देना है. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फिनलैंड. फिनलैंड इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. बड़े गलत आंसर आ रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड एन MOU विथ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडिया इन 2019? इसे भी यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है. तो इंडिया ने रेलवे डेवलपमेंट के लिए किस कंट्री के साथ MOU साइन किया था? फिलहाल यह देश होगा रशिया. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Union Cabinet approved the MOU on the cooperation between India and this country on cooperation regarding bioscenic railway integration corridor project. तो इसका आंसर आपको देना है. क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए. इसका आंसर होगा इंडिया एंड बोलीविया. ऑप्शन नंबर 1 इंडिया एंड बोलीविया. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. इंडिया एंड बोलीविया. ठीक है ठीक है ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और 51 क्वेश्चन की बात करते हैं. विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव एन MOU इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स एटमॉस्फेरिक साइंस इन 2019? तो आंसर दीजिए. क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 थाईलैंड. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टू नेशन reaffirmed a joint commitment to fight against terrorism? इसमें से दो देशों ने मिलकर
टेररिज्म से लड़ने का फैसला किया, ये देश कौन से हैं ये आपको बताना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया, यूएई एंड जर्मनी, इंडिया एंड फ्रांस। अभी एक ट्रिटी हुई है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूएई एंड जर्मनी। यूएई एंड जर्मनी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखते हैं क्या इसका होता है, आगे क्या होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 53rd क्वेश्चन की बात करते हैं। बेंचा बिकम इंडियाज फर्स्ट ऑल सोलर किचन विलेज, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ। तो आपको मैंने पढ़ाया है, ये मैंने पढ़ाया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। कौन से स्टेट में ये विलेज है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड HSTDV अलॉन्ग विद सेवरल टेक्नोलॉजी। तो आपको यह पढ़ाया गया कि HSTDV जो है इसका परीक्षण कहां से किया गया था ये आपको बताना है। याद करिए मैंने पढ़ाया है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा कोस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर अनाउंसमेंट बाय इसरो चीफ के सिवान, इन विच ईयर इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन। मैंने आपको ये तो पढ़ाया था कि इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो किस ईयर? अब यहां पे ईयर के बारे में पूछा गया आपसे, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 2030। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 2030 इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाक इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम वॉस हेल्ड इन। कजाकिस्तान और इंडिया का इन्वेस्टमेंट फोरम की मीटिंग कहां पर हुई? मुंबई में हुई, हैदराबाद में हुई, कोलकाता में हुई या अहमदाबाद में हुई? इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। तो कजाकिस्तान इंडिया का इन्वेस्टमेंट फोरम की जो मीटिंग हुई वो अहमदाबाद में हुई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज बिकम फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड विलेज इन कर्नाटका? Which village become the first 100% solar powered village in Karnataka? Answer आपको देना है। बात कर्नाटका स्टेट की हो रही है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अमा से बाइलू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद करना टफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए यहाँ पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड चाइनाज न्यू अम्बेसडर टू इंडिया? चाइना का नया अम्बेसडर इंडिया के लिए कौन बन गया है? इसका आंसर भी देना है आपको, क्या इसका आंसर होगा? एंड राइट आंसर इज सुन विडोंग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू TRA रिसर्च, विच द कंपनी हैज एमर्ज एज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया इन 2019? मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया इन 2019। यहां पे ई कॉमर्स की बात नहीं हो रही है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डेल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO टेस्टिंग ऑफ HSTDV इज टू डेवलप अ हाइपरसोनिक व्हीकल दैट विल पावर्ड बाय। मतलब कि इस HSTDV जो मिसाइल थी इसको पावर कहां से मिलता है, किस प्रोपल्यूजन सिस्टम से मिलता है ये आपसे पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम, SCRAMJET। देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। नेम द इंश्योरेंस कंपनी विच हैज लॉन्च अ यूनिक प्रोपर्शनरी टूल नेम्ड माई प्रोटेक्शन कोटेशन टू इंश्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन द कंट्री। ये भी आपको पढ़ाया गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड दिस कंट्री हैज पार्टनर टू सेटअप अ नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम एट लोथल। नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम एट लोथल, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर पुर्तगाल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12-year स्ट्रेटजी प्लान अडॉप्टेड बाय द कैबिनेट ऑफ द UAE इज। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक लास्ट ट्यूजडे को मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाया था कि UAE ने ये एक्शन प्लान लॉन्च किया है, क्या इसका नाम होगा? इसका नाम है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर वेलबींग 2031। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर वेलबींग 2031, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ विच कंपनी। अभिषेक सिंह किस कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारत पे, ऑप्शन नंबर बी भारत पे इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द G20 सर्विलियंस नोट प्रिपेयर्ड बाई स्टाफ ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वॉट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकॉनमी इन 2019? देख लीजिए फिर से, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7.3%. 7.3% ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई हाउ मच परसेंट द शेयर ऑफ ई मनी इन इंडिया पेमेंट सिस्टम ग्रू इन 2017 एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई ने बोला कि 2017 में इलेक्ट्रॉनिक मनी का जो ट्रांजेक्शन था वो कितना परसेंट था, ये आपसे पूछा गया है. जो कि नोटबंदी हुई थी उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर ये रिपोर्ट, मतलब नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन है ये. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 21.5%. 21.5% इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इवेंट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे विल बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी पार्टिसिपेट करेंगे. आइए आंसर की बात करते हैं. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची. रांची इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट विल बी द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई इन जून बिसाइड द सन एंड द मून. तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा प्लैनेट होगा, ये आपसे पूछा गया है. ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जुपिटर. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटिटीज इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन बिजनेस हैज एक्वायर्ड बाई स्कैंडियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड मैक रिच इन्वेस्टमेंट. तो इस कंपनी का इलेक्ट्रिकल और ऑटोनोमस बिजनेस जो था वो एक्वायर ये दोनों कंपनी कर रही हैं. तो कंपनी कौन सी जो एक्वायर हो रही है, इसका आंसर भी देना है आपको. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलएनटी. एलएनटी का इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन बिजनेस जो है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कन्फर्ड विथ उत्तम जीवन रक्षक पदक ड्यूरिंग द टू डे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कॉन्क्लेव 2019. उत्तम जीवन रक्षक पदक किसको मिला इसमें से, ये आपसे पूछा गया. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाविक विनोद. ऑप्शन नंबर ए, नाविक विनोद. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. नेम द कंट्री विच हैज ऑर्गेनाइज्ड अ गांधी साइकिल रैली फॉर पीस रिसेंटली. पढ़ाया गया क्वेश्चन आपको है, आंसर दीजिए. आंसर देना है आपको. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सऊदी अरेबिया. ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द पिंक सारथी व्हीकल फॉर वुमेन सेफ्टी. पिंक सारथी व्हीकल फॉर वुमेन सेफ्टी पढ़ाया गया, ये भी आपको. आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज कर्नाटका. ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें. चलिए तो आरबीआई रिलैक्स लीवरेज रेशियो फॉर बैंक टू विच परसेंट. आरबीआई ने बैंकों के लिए लीवरेज रेशियो को रिलैक्स कर दिया है. ये लीवरेज रेशियो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया. 73 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं. And the right answer is 3.5%. 3.5% is right answer. Next question. Which of these bank launched center for MSME in Bangalore? इसमें से किस बैंक ने MSME के लिए अपना एक center of excellence launch किया है? बेंगलुरु में MSME के लिए center of excellence किस बैंक ने launch किया, ये आपसे पूछा गया है. यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास हैं. इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक. आईसीआईसीआई बैंक ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें. 75 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड टू द मेंबर ऑफ अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी. ये भी हमने आपको पढ़ाया, क्या इसका आंसर होगा. इसका आंसर होगा रोमिला थापर. ऑप्शन नंबर डी, रोमिला थापर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्सपेरिमेंटल एबोला ड्रग विच इज फाउंड टू क्योर निपा वायरस एज पर स्टडी पब्लिश्ड इन साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंटिस्ट एंड कलीजियस. आपको इतना बताना है कि एबोला जो है, एबोला बीमारी, उसके लिए एक ड्रग खोजा गया, उसका नाम क्या है. चलिए आंसर की बात करते हैं. इसका नाम है रेमडेसिविर. रेमडेसिविर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. थोड़ा नाम टफ होगा, याद करना पड़ेगा आपको. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पे तुरंत आ रहा है. देखिए, विच बैंक हैज कंडक्टेड द फर्स्ट ई ऑक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र. विच बैंक हैज कंडक्टेड द फर्स्ट ई ऑक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस बैंक. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. यस बैंक इज राइट आंसर. याद कर लीजिएगा, ठीक है. अपने अपने राइट अटेम्प्ट जरूर बताइएगा. हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
मनप्रीत वोहरा को करंटली ऑथोराइज्ड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री. मनप्रीत वोहरा जो है ये इंडिया की नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनी है किस देश के लिए, ये आपको बताना है. आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए सब अपने मन से. इंडसइंड बैंक, कोई बोला IDBI, कोई बहुत कमी लोग यस बैंक बोल रहे हैं. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेलीज है, ऑप्शन नंबर ए. बहुत लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, तो कैपिटल करेंसी याद करना आपका कर्तव्य है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. नेम द तेलंगाना बेस्ड एनजीओ विच बैक द यूनाइटेड नेशंस इक्वेटर प्राइज फॉर 2019. आंसर दें क्या इसका आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज डिक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, DDS, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने 80th क्वेश्चन की. नेम द एयरलाइन विच वॉन द वर्ल्ड मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन टैग. वर्ल्ड मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन टैग, आंसर की बात कर ले, इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा श्रीलंकन एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. श्रीलंकन एयरलाइन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 81 क्वेश्चन. विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट म्यूचुअल फंड साइड पॉकेट इनिशिएटिव. पढ़ाया गया क्वेश्चन है, आंसर दें इसका. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टाटा म्यूचुअल फंड. टाटा म्यूचुअल फंड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has been appointed as BCCI electoral officer for AGM, मतलब annual general meeting, मतलब कि BCCI की वोटिंग होने वाली है, तो इस वोटिंग के लिए कौन बना है इलेक्टोरल ऑफिसर, ये आपको बताना है. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एन गोपाल स्वामी होगा, ऑप्शन नंबर ए. एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Which state to set up six nursing college at a cost of 194.30 crore. तो कौन सा राज्य 6 नर्सिंग कॉलेज बनाने वाला है 194.30 crore में. इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी. हरियाणा इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंपनी एक्वायर्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिटेलर जयपुर. तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सी कंपनी से एक्वायर कर रही है. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आदित्य बिरला फैशन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 85 क्वेश्चन. हु लिफ्टेड द 2019 पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप. 2019 पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप ये किसने जीती, ये सौरभ कोठारी. सौरभ कोठारी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. सौरभ कोठारी ने ये टूर्नामेंट जीता. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यू वेंकटेश्वरलू हैज बीन चूजन एज द सेक्रेटरी टू विच स्टेट गवर्नमेंट. इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात कर रहे हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा. त्रिपुरा इज राइट आंसर, पढ़ाया गया पॉइंट है आपको ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हु बिकेम द फर्स्ट एक्टर इन अ व्हील चेयर टू विन टोनी अवार्ड. हु बिकेम द फर्स्ट एक्टर इन अ व्हील चेयर टू विन टोनी अवार्ड, आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा. एंड राइट आंसर इज अली स्ट्रोकर, ऑप्शन नंबर सी. अली स्ट्रोकर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. रिसेंटली प्रयुत चान ओचा वॉज इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. ये भी आपको पता है, सिंपल क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. थाईलैंड इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हाउ मच परसेंट इंडियन कंस्ट्रक्शन मार्केट टू ग्रो ईच ईयर. इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन मार्केट है वो कितने परसेंट की दर से हर साल बढ़ रहा है, ये आपसे पूछा गया है. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7.1%. 7.1% इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू गो पास्ट 2000 रन मार्क अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ODI वनडे इंटरनेशनल. फास्टेस्ट इंडियन 2000 रन बनाने वाले, ये कौन है, रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी. रोहित शर्मा इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won women's French Open title? Men's का तो हमने पूछ लिया था, women's की बात कर लेते हैं. और इनका नाम भी आपको बता है, ये ATP ranking में right now second number पे हैं. इनका नाम है Ashley Barty, option number D. Ashley Barty is right answer. Next question. What was the theme of the International Albinism Awareness Day 2019? क्या इसकी थीम थी, ये आपसे पूछी गई है. और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा. इसका आंसर होगा स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द थर्ड इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर टू फीचर इन किया सुपर लीग. तो किया सुपर लीग यूके की एक T20 लीग है वुमेन्स की, और थर्ड वुमेन आपसे पूछा जा रहा है. स्मृति मंधाना, हरसिमरत कौर,
मनप्रीत कौर के बाद तीसरी विमल कौन होंगी फीमेल, ये आपसे पूछा गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जेमिमा रोड्रिगस। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यू स्पीसीज वेयर डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडिया इन द ईयर 2018 एज पर द डेटा रिलीज बाई द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं इंडिया में 2018 में, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन 596। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एप्लीकेशन लॉन्च बाय अमेरिकन एम्बेसी टू हेल्प इंडियन स्टूडेंट हु विश टू स्टडी इन यूएस यूनिवर्सिटीज। आंसर दे, पढ़ाया गया पॉइंट है आपको। इसका आंसर होगा एजुकेशन यूएसए। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द सेवेंथ कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी सक्सीडिंग वाइस एडमिरल आर बी पंडित। तो सेवेंथ कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी कौन बने हैं? इन्हें आपको, ये इनका नाम आपको जाना है, और इनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर फोर, दिनेश के त्रिपाठी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑर्गेनाइजेशन कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम एंड बी श्रीराम वॉज अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम मेंबर। आपको यह भी मैंने पढ़ाया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़े और बात करते हैं अपने 98 क्वेश्चन की। तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम मेंबर इन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। पार्ट टाइम मेंबर सेबी में 3 साल के लिए कौन बना है? इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है वी रवि अंशुमान। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 99। नेम द डायरेक्टर ऑफ द मोनेश अल्फ्रेड फिजिक साइकेट्री रिसर्च सेंटर हु रिसीव मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली। आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा जल्दी से? एंड द राइट आंसर इज जयश्री कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। और आगे आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द मणिपुर यूथ हु वॉज इंडक्टेड इन टू फेसबुक हॉल ऑफ फेम फॉर डिस्कवरिंग व्हाट्सअप बग। $5,000 भी इनको मिला था, पढ़ाया हुआ पॉइंट है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जुनेल सॉन्गाई जैम। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको मिले। एग्जैक्टली मैं ये शो करता है कि हम पूरे वीक में इतने सारे पॉइंट कवर करते हैं तब भी कुछ ना कुछ पॉइंट रह जाते हैं, तो हमें उसी नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है ताकि हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अपने अपने अटेम्प्ट मुझे बताइए कमेंट में, और मिलते हैं 3 o'clock पर, जहां पर हम SBI PO और LIC AA मेंस लेवल के GA की बात करेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, कुछ इंश्योरेंस के क्वेश्चन, कुछ फाइनेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा बढ़िया एक पैक होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़िए। देख लीजिए कमी कहाँ पर है। कमी सबके अंदर होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमी को राइट टाइम पर पहचानना, राइट एफर्ट्स करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आई थिंक हम लोग राइट पर्सन ही है, तभी हम लोग ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को बनाए रखिएगा, ये जज्बा बनाए रखिएगा। लूज़र नहीं बनना है ना, विनर बनना है। तो विनर का जज्बा बनाए रखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।